नमस्ते। ये मेरी बेटी कम्मो है, इसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लीजिए ना। अरे इसकी उम्र ही क्या है, ये तो बच्ची है, इसको पढ़ाओ, इसका नाम स्कूल में लिखवाओ। लाला जी, हम गरीब आदमी हैं, हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ा लिखा सकते हैं? अरे क्यों नहीं पढ़ा सकते? अरे साहब, हमारे पास घर चलाने का पैसा तो होता नहीं है, अब इसे स्कूल में पढ़ाने के लिए मैं कहाँ से पैसा लेकर आऊँ? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? साहब, ये पढ़ाई वढ़ाई हमारे बस की बात है नहीं, इससे अच्छा है आप इसे अपने घर में कोई छोटी मोटी नौकरी दे दीजिए, दो पैसे तो कमाएगी और फिर कल को इसकी अब शादी भी तो करनी है मुझे। अरे सुनो, भारत सरकार ने 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए पढ़ाई मुफ्त करा रखी है। लाला जी आप सही कह रहे हैं। आइए मास्टर जी बैठिए। जी लाला जी, ना सिर्फ इनकी बच्ची को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी बल्कि भारत सरकार द्वारा इनकी बच्ची को हर संभव मदद भी दी जाएगी। और मास्टर जी, मैंने तो ये भी सुना है हर निजी स्कूलों में 6 से 14 साल तक गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाना होगा, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी मान्यता रद्द हो जाएगी और उनके भारी जुर्माना भर सकता है, क्या ये सच है? जी लाला जी सही कहा आपने, स्कूलों में बच्चों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव करना गैर कानूनी अपराध है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी लाला जी, और तो और विकलांग बच्चों की मुफ्त पढ़ाई की आयु बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है और ये राज्य सरकार और भारतीय सरकार की जिम्मेदारी है। मास्टर जी आप सच कह रहे हैं ना, इसमें कोई झूठ तो नहीं है? जी बिल्कुल सच है। मगर एक बात बताइए मास्टर जी। जी पूछिए। प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के टाइम भारी भरकम डोनेशन मांगी जाती है, माता पिता से इंटरव्यू लिया जाता है, अब जो माता पिता पढ़े लिखे नहीं है क्या वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते? जी इसके लिए भी भारत सरकार ने कानून बनाया है, जो भी स्कूल इंटरव्यू लेता है और डोनेशन लेता है तो उसके ऊपर बैन लगाया जाता है और उसको 25,000 रुपए जुर्माना भरना होता है। मास्टर जी आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी, एक बहुत बड़ा पाप करने से आपने मुझे बचा लिया। अरे ये तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको पूरी जानकारी दूं। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं कुम्मो को स्कूल जरूर भेजूंगी। मास्टर जी मैं पढ़ के एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। शाबाश, तुम पढ़ोगी तभी तो देश का भविष्य उज्जवल होगा।